Hey guys, Assalamualaikum. This is Mehrubah Qadri saying hello to you all. तो जनाब आप भी बज रहे हैं 3:30 और अम्मी बेचारी जो है दवाई लेने गई थी जो कि अभी तक नहीं आई है, तो हम जो इनका वेट कर रहे हैं ताकि फिर हम जो है सैरी कर सकें. और मैं अभी मरियम के साथ खेल रही हूँ. तो यस, आप ही भी आई हैं तो थोड़ा एनर्जी में हूँ, तो मैंने कहा कि बैक टू बैक व्लॉग बना लूँ ताकि आप लोग देख सको. सो या फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आपके साथ शेयर करती जाएंगी. फिर आप भी जो है कल चली भी जाएगी तो फिर से वही बोरियत हो जाएगी मेरी तरफ. तो मैंने कहा कि ये यादगार लम्हात हैं, इनको मैं कैप्चर कर लूँ. कैसा देखो मरियम ने बोला. सो रोज़ा बंद कर लिया है हमने. आप ही किचन में जो है सारा वाइंड अप कर रही है, तो बस अभी नमाज़ वगैरह पढ़ेंगी और फिर जो है सो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत टायर्ड हो गए, बाहर भी गए हुए थे. तो यस, बाकी सब तो सो गए. सो यस, अभी बस सोने का टाइम है, नमाज़ पढ़ेंगे फजर की, सो जाएंगे, फिर उठेंगे और फिर बाकी के मामला वगैरह देखेंगे. हेलो हेलो एवरीवन. सो जो है सब लोग सो रहे हैं और मैं उठ के खाना बना रही हूँ इस वक्त. तो अभी जो है मसाला पीसने की तैयारी हो रही है. फिर सालन चढ़ाने के बाद जो है मैं, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे ख्याल से हो जाएगा कि मैं बाकी सारी चीज़ें खेलूँ. फ्रूट मैंने काट के जल्दी ही रख दिया था और नमाज भी पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया है. अब बस ये सालन चढ़ा के फिर मैं जो है तलन वगैरह करूँगी. फिर सब माशाल्लाह से उठ जाएंगे तो फिर बैठ के सब इफ्तार करेंगे. तब जो है नमाजों के लिए उठते हैं और फिर जो है सो जाते हैं. तो रमज़ानों की रूटीन जो है इस तरह से होती है, मतलब सुबह से उठने का कोई फ़ायदा नहीं है और उठते रह के फिर जो है वहीं बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपनी इबादत करो, आप कुरान पढ़ो और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप आराम भी करो. रमज़ान माशाल्लाह से बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है. इसमें इतना ये नहीं कि आप पूरा दिन सुबह से किचन में घुस जाओ और जो है ख्वार मिट्टी होते रहो, अपनी मिट्टी क्लीन करते रहो. नहीं, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम है आराम करो और फिर जो है आराम से अपनी चीज़ें जिस तरह से आप करते हो वैसे करो. वैसे रमज़ान की रूटीन तो मोस्टली ऐसी होती है कि पूरा दिन तो जो है बहुत सब सुस्त हुए हुए होते हैं. असर के बाद जो है किचन में घुसा जाता है, खाना वगैरह की तैयारी होती है, इफ्तार की तैयारी होती है, फिर इफ्तारी के बाद जो है सारे काम जो करने होते हैं वो सब करता है. तो हमारे यहाँ की जो रूटीन इस तरह की होती है. फिर हम जो है सहरी तक जाते हैं और कल तो अरे बाप रे क्या हो गया कि हम लोग, मैं 9 बजे तक जाती हूँ सुबह. मैंने आपको बोला कि मैं जो है अभी नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मरियम जानी आई हुई है तो उसको देखने में ना बड़ा मज़ा आता है. तो मैं उसको देख देख के इंजॉय कर रही थी और उसमें जो है 7:30 और फिर 8 बज गए और फिर उसको सुलाया तो उसको बच्ची को जो है तीत आ रहे हैं तो तकलीफ की वजह से वो भी रो रही थी. तो उसमें करते करते 9 बज गए और फिर 9 बजे मैं सोने तो यार नींद भी पूरी नहीं हुई है. बट एनीवेज चलो फटाफट जो है सालन चढ़ देते हैं ताकि जो है फिर खुलने के प्रोसेस शुरू. और आज जो है आप ही आई हुई हैं तो आज आप ही से हम जो है काले चने बनवाएंगे क्योंकि आप ही काले चने बहुत अच्छे बनाते हैं. ओके, सो मैंने कबाबें तल लिए हैं, रोल तल लिए हैं. भाई बाहर से बहुत कुछ लाए और सामने वाले ने बहुत कुछ भेज दिया, तो इफ्तारी बहुत ज़्यादा हो गई है. और आप ही जो है अभी बना रही हैं छोले. क्यों आप ही इतने अरसे के बाद मेरे किचन में, अरसे के बाद मम्मी के घर आई हूं, छोले बनवा रहे हैं. मम्मी बनवा रही है ना, क्योंकि मम्मी को इनके हाथ के छोले बहुत अच्छे लगते हैं और यही खास यही बना सकती हैं वो छोले. मुझे नहीं आता ये छोला बनाना, मुझे सिखा दो तो ठीक है. तो मैं सीखा और मैंने देखा. तो जो है हमारा सालन भी, ज़ीरा हमारे पास ख़त्म हो गया है. वी ओनली हैव ब्लैक ज़ीरा राइट नाउ. ओ नहीं, कल वकास लेके आया था ना तो आपको मिलेगा वो थैली कहाँ गई जो थी. एक बार मैं इनको थैली दे देती हूँ. सो इफ्तारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और ये सामने से आया है और बाकी जो है भाई भी कुछ ले आया था. अभी जो है छोले बन रहे हैं एंड देन जो है बस यही सारी आज इफ्तारी होगी और हम लोग बस अब वेट कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार होने का ताकि जो है रोज़ा खोला जाए. शरबत मैंने पहले ही बना लिया था तो बस शरबत निकालना रह गया है और फ्रूट निकालना रह गया है और क्या निकालना रह गया है, बस ये सब रह गया. रोजे के टाइम उठ जाते हैं बाबू और जैसे ही इफ्तारी का टाइम शुरू होता है मरियम साहिबा उठ जाती है. अरे बाबू आई लव माई भांजी. ओके, सो रोज़ा इफ्तार हो चुका है. इफ्तारी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ. सो या ओके, सो अब इफ्तारी हो चुकी है और फटाफट नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद चाय रखेंगे मस्त और मेरा जो सालन है उसको मैं जो है वाइंड अप करूँगी. यस ना मरियम. सो अभी जो है चाय पी जा रही है और मरियम की तो यहाँ पे नाई नहीं हो रही है. मरियम
इनकी नाई नहीं हो रही है, फिर नाई नहीं करके ये लोग जो खाना खा के निकल जाएंगे, तो मुझे फिर बड़ी याद आएगी मरियम, हमारे घर की रौनक फिर ख़त्म हो जाएगी। सो मरियम के जाने का टाइम आ गया है, इसने नाई नहीं करके वाह वाह कर लिया है और नानों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी चला जाएगा, फिर हमको बड़ा याद आएगा बाबू। अरे 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 बाबू माशाल्लाह, सब प्लीज माशाल्लाह बोलना मेरी शहजादी के लिए। गामना छोकरा गाराना, पड़ोसी ना छोकरा पीतलना, कुम्हार ना छोकरा मट्टी ना, छनन मनन मारा छो नाना। ओके सो आप ही के जाने का टाइम आ गया है, आप ही जा रही हैं। लो ये अपनी बच्ची मरियम, मामी मामी बोल लियो, आनी को टाटा कर लियो। ये देखो फटाफट जा रही है अब चूड़ियाँ पहनकर। और आप ही घर जा चुकी हैं और फिर घर में सन्नाटा हो गया है। गिनती के हम तीन लोग हैं और फिर आप ही आते तो रौनक हो जाती है, आप ही जाती है तो फिर सन्नाटा हो जाता है। मरियम खाना चाहे तो बिल्कुल एकदम एनर्जी का बूस्ट हो जाता है। सो यस, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो यस, और मैं जो है ईद की शॉपिंग पे जाऊँगी तो उसका भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो यस, दिस इज माय क्रू बाबी सेइंग आई लव यू ऑल, दुआओं में याद रखिएगा।